So the second important element of cost, that is the labor cost, that is the cost of wages paid to the workers. In the unit number two, we have to understand material cost, labor cost, overhead. So right now we are on the chapter number two, that is labor costing. सबसे पहले समझ लेते हैं लेबर कॉस्टिंग क्या होता है। तो वी ऑल आर अवेयर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन विच मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो लेबर होता है, जो वर्कर्स होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज द लेबर कॉस्ट। ओनली मटेरियल इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वी ऑल्सो नीड वर्कर्स, वी ऑल्सो नीड लेबर्स। सो द कॉस्ट इन्वॉल्व विद द लेबर्स, और वी कैन से द लेबरर्स इज नोन एज द लेबर कॉस्ट। उनको जो सैलरी या तो वेजेस जो पे किया जाएगा दैट इज द लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आपको लेबर क्या है उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स, एन एफर्ट टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दे आर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द मटेरियल टू मेक इट फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी होगी तो वहां पे वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, जो मटेरियल के साथ काम करेंगे, वुड के ऊपर वर्क करेंगे और फर्नीचर आइटम्स बनाएंगे। अगर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या तो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आजकल तो एडवांस मशीनरी आ चुकी है, पर फिर भी विदाउट वर्कर दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, अब ये जो लेबर होते हैं, दो तरह के लेबर यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। जैसे मटेरियल में देखा उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। एक तो डायरेक्ट लेबर होगा जिसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और दूसरा एक इनडायरेक्ट लेबर होगा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्ट्री इन द प्रोडक्शन यूनिट। तो डायरेक्ट लेबर क्या है? तो डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच इज डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। अच्छा, लेबर दो तरह का होगा। एक तो स्किल लेबर होगा, अनस्किल लेबर होगा, मैन्युअल लेबर होगा, स्किल वर्कर्स जो हो गए वो भी हो गए इसमें, अनस्किल वर्कर्स भी हो गए, सभी तरह के लेबर यहाँ पे कवर हो गए। सो डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच इज डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड विच कैन बी कन्वीनियंटली एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस और यूनिट, और उनकी कॉस्ट हम डायरेक्टली पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। हमने कॉस्ट सेंटर पढ़ा था कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तो उसके साथ इसको आप एसोसिएट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि अगर आपकी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आपने देखा होगा कि गांव में कहीं कहीं पे वो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए होते हैं जिनमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और मैन्युअली ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये डायरेक्ट लेबर है, दिस पीपल आर द डायरेक्ट लेबर बिकॉज दिस पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। कारपेंटर जो होता है, जो वुड के साथ काम करता है, फर्नीचर आइटम बनाता है, तो एक कारपेंटर एक डायरेक्ट लेबर हो गया। सो डायरेक्ट लेबर
वी कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई दैट दे आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। अच्छा, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहां पे मशीन्स होता है, मशीन के ऊपर स्टिचिंग वर्क चलता है, तो जो स्टिचिंग वर्कर्स होते हैं, जो स्टिचिंग लेबर होते हैं, जो मशीन के ऊपर अलग अलग गारमेंट आइटम स्टिच करते हैं, तो दे आर द डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी इनडायरेक्ट पीपल विच आर इन्वॉल्व। जैसे कि जिस फैक्ट्री की बात करें, उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है पर वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है। स्टोर की सॉरी उनका उस फैक्ट्री में टेक्नीशियन होगा, मैकेनिक्स हो गए, जो मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या तो वॉचमैन होगा जो प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है पर वो भी एक वर्कर है, हमें उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उस वॉचमैन की भी जरूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी, मैकेनिक्स की भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, मशीन में प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं, सो दे आर द इनडायरेक्ट लेबर, और उनकी जो कॉस्ट होगी उसको ओवरहेड कॉस्ट कहा जाएगा। याद रखो, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट लेबर है, वो ओवरहेड काउंट ओवरहेड गिना जाएगा। सो दो तरह का लेबर होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। सो इनडायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बट विच इनडायरेक्टली हेल्प द डायरेक्ट लेबर एंगेज इन द प्रोडक्शन। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है मान लो, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो 200 स्टूडेंट्स है, तो उस 200 स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने जो फैकल्टीज अपॉइंट किया होगा, तो उनको जो पेमेंट किया जाएगा वो डायरेक्ट लेबर में जाएगा। जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, वो डायरेक्ट लेबर है, पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उन्होंने दूसरा भी कुछ स्टाफ रखा होगा जो डायरेक्टली टीचिंग वर्क के साथ नहीं जुड़े हैं, इस सर्विस के साथ नहीं जुड़े हुए। जैसे कि उन्होंने क्लर्क अपॉइंट किया होगा, प्यून अपॉइंट किया होगा, या तो वॉचमैन रखा होगा, तो ये लोग जो है वो इनडायरेक्ट लेबर में काउंट हो गए। डेफिनेशन दिया हुआ है आईसीएमए ने, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज द कॉस्ट अदर देन द डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। से फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिक्स का कॉस्ट, मैकेनिक्स का सैलरी, सुपरवाइजर्स जो हो गए फैक्ट्री में वर्कशॉप पे, चौकीदार, गुजराती वर्ड यूज हुआ है बट अभी ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ चुका है, वॉचमैन, स्वीपर्स, सफाई कर्मचारी जो हो गए, तो ये लोग प्रोडक्शन नहीं करते हैं बट फैक्ट्री में इनकी जरूरत है, फॉरमैन है, टेक्नीशियन है, सो दीज ऑल पीपल आर इनडायरेक्ट लेबर, इनकी कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे और इसको ओवरहेड में काउंट किया जाएगा। याद रखो, ओवरहेड वो चीजें हैं जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेबर कॉस्ट इज द सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट स्पेशली इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग मोर मैन्युअल ऑपरेशंस। मतलब जहां पे वर्कर्स से काम लेते हैं, मशीन पे काम नहीं होता है, पर जहां पे मशीन की जगह पे वर्कर्स लेबरर्स से काम होता है वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ईंटें बनाने वाली कंपनी, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी का खेत ले लेते हैं रेंट पे, फिर वहां पे डिगिंग एक्टिविटी करके वहां से जो मिट्टी आती है उसमें से मैन्युअली वो लोग ब्रिक्स बनाते हैं, फिर ईंटों का जो भट्टा होता है उसमें उसको पकाते हैं, तो वहां पे जो लेबरर्स जुड़े हुए हैं दे ऑल आर द डायरेक्ट लेबर। फिर हमने जो एग्जाम्पल लिया स्टिचिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई चला रहा है या तो गारमेंट स्टिचिंग का वर्क कर रहा है, तो वहां पे मशीन के ऊपर जो स्टिचिंग वर्क करता है स्टाफ वो डायरेक्ट लेबर है। इट इज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन द प्रोडक्ट एंड रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर इट्स कंट्रोल। अच्छा, तो अब हमारे पास दो तरह के लेबर हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, और इसके हिसाब से हमारे पास दो तरह की कॉस्ट हो जाएगी, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो वर्कर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं उनके वेजेस का कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, जो वर्कर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं बट दे आर वर्किंग इन द फैक्ट्री लाइक मैकेनिक, सुपरवाइजर, चौकीदार, ऑल दिस, उनका जो वेजेस का कॉस्ट होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट काउंट होगा।
तो वही सारी चीजें फिर से यहाँ पे बताई हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या चीजें आएगी और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगी, जो हमने ऊपर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हमें मेन तो ये समझना है कि ये लेबर कॉस्ट डिसाइड कैसे करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव डिफरेंट मेथड ऑफ वेज पेमेंट। लेबर को वेजेस जो पे किया जाएगा उसका अलग अलग मेथड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो दो तरह का मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट है। लेबर को जो वेजेस का पेमेंट किया जाएगा वो हमारा वेज कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। वो कैसे डिसाइड करना है वो यहाँ पे हमें समझना है। सो वी हैव सो मेनी मेथड्स, हियर सम सिलेक्टेड मेथड्स आर गिवन टू यू एज पर योर सिलेबस। तो एक तो है टाइम रेट सिस्टम और दूसरा है पीस रेट सिस्टम। अब देखो टाइम रेट सिस्टम कहाँ पे लगता है, तो जहां पे आप क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते हो कि एक वर्कर ने कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया, तो वहां पे टाइम रेट सिस्टम चलता है। उनको मंथली पेमेंट होता है, फोर्टनाइटली पेमेंट होता है, वीकली पेमेंट होता है, टाइम के हिसाब से पर आवर पेमेंट होता है। और पीस रेट सिस्टम जो है वहां पे हाउ मेनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन दैट वेजेस आर पेड। इफ इट इज इजी टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वर्कर हैज मैन्युफैक्चर्ड दिस मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, देन बेस्ड ऑन द यूनिट्स पेमेंट इज मेड टू देम। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गुजरात के अंदर काइट फ्लाइंग इज अ बिग फेस्टिवल एंड मेनी वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द काइट्स। कुछ वर्कर्स पूरे साल काइट्स बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्कर हैज मैन्युफैक्चर दिस मेनी नंबर ऑफ काइट्स इन पर्टिकुलर मंथ। जैसे कि एक काइट का उनको सपोज 2 रुपया दिया जाता है, एक उन्होंने पतंग बनाया है तो उसके ऊपर 2 रुपया दिया जाता है। तो किसी वर्कर ने मान लो एक दिन में 50 काइट्स बनाया है, तो 50 × 2 रुपीज, तो 100 रुपीज उसका वेजेस हो जाएगा। तो ये पीस रेट सिस्टम हो गया। अब जहां पे आप पीसीस काउंट नहीं कर सकते हो, यूनिट्स काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे फिर टाइम रेट सिस्टम लगेगा। जैसे कि अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट के केस में आप काउंट नहीं कर सकते हो कि उसने कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया, बिकॉज ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो वहां पे आपको फिर टाइम रेट सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए जो वर्कर्स यूज होते हैं उनको पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टाइम रेट सिस्टम। सिंपल मेथड है, टाइम के हिसाब से पेमेंट होगा। अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड बेस्ड ऑन द टाइम वर्क बाय द वर्कर्स, हाउ मेनी आवर्स दे हैव वर्क, बेस्ड ऑन द आवर्स देयर पेमेंट आर मेड। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम रेट सिस्टम, फ्यू ऑफ देम आर। वन इज फ्लैट टाइम रेट सिस्टम। तो इन द इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड एट अ फ्लैट रेट बेस्ड ऑन द टाइम दे हैव वर्क। जैसे कि डिसाइड कर दिया पर आवर 20 रुपीज, तो किसी वर्कर ने मान लो 7 आवर्स काम किया, तो 7 आवर्स × 20, तो 140 मिल जाएगा उसको वेजेस। किसी ने 8 आवर्स काम किया, किसी ने 9 आवर्स वर्क किया, तो आवर्स आर मल्टीप्लाइड विद द टाइम रेट। जो भी पर आवर रेट डिसाइड होगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। तो फॉर्मूला यहाँ बहुत सिंपल बन जाता है। अर्निंग या तो वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम वर्कर वर्क, से फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स × टाइम रेट, मान लो 25 रुपीज पर आवर, 25 रुपीज, 8 आवर्स काम किया है 25 रुपीज, तो 200 रुपीज उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये होगा फ्लैट टाइम रेट। हाई डेली रेट, हायर रेट्स आर गिवन टू अट्रैक्ट एफिशियंट वर्कर हु कैन इजीली बी मोटिवेटेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशियंसी विच दे आर रिलेटिवली हाई। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर कोई वर्कर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स डिसाइड किया जाएगा कि इन 1 आवर यू हैव टू डू दिस मेनी वर्क, इफ यू कंप्लीट दिस वर्क इन दिस 1 आवर देन यू विल बी गिवन द हाई रेट। एक पर्टिकुलर वर्क उसको दे दिया गया,
और वो पर्टिकुलर वर्क वो पर्टिकुलर आवर्स में कंप्लीट कर देता है, तो उसको जो बेसिक रेट है उससे ज्यादा रेट दिया जाएगा, दैट इज द हाई डेली रेट. एंड इट इज गिवन टू मोटिवेट वर्कर टू गिव मोर आउटपुट इन द गिवन टाइम स्लॉट देन ग्रेजुएटेड टाइम रेट. तो अंडर दिस मेथड वेजेस आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द वर्कर. इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अलग अलग टाइम रेट होगा. ऑल द सिटीज डू नॉट हैव द इक्वल कॉस्ट ऑफ लिविंग. जैसे कि बड़ौदा का कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कंपेयर करो पुणे और बेंगलोर से तो बहुत कम है. तो यहाँ के वर्कर्स को और वहां के जो वर्कर्स हैं जो सेम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका टाइम रेट अलग अलग होगा. जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है वहां पे ज्यादा टाइम रेट होगा, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है वहां पे टाइम रेट कम होगा. तो दीज आर द टाइम रेट सिस्टम, थ्री मेथड्स दिया हुआ है उसमें, सिंपल सी फॉर्मूला तीनों में होगा, एक्चुअल टाइम वर्क इनटू द टाइम रेट. अच्छा अब बात कर रहे हैं पीस रेट वेज सिस्टम की. अच्छा पीस रेट सिस्टम वहां पे अप्लाई होगा जहां पे आप यूनिट मैन्युफैक्चर काउंट कर सकते हो कि वर्कर्स ने कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया. जैसे मैंने आपको काइट्स का एग्जांपल दिया, तो अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर. पीस रेट सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, उसमें भी अलग अलग मेथड्स है. उसमें एक स्ट्रेट पीस रेट, अंडर दिस सिस्टम ईच यूनिट प्रोड्यूस इज टेकन एज ए पीस. अ पीस रेट इज फिक्स फॉर अ यूनिट प्रोड्यूस, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंसीडर नहीं होगा, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर होगा. तो देखो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अर्निंग दैट इज वेजिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय अ वर्कर इनटू द पीस रेट. मान लो किसी वर्कर ने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 10 यूनिट्स, और एक यूनिट का मान लो 50 रुपीज डिसाइड हुआ है, तो 10 यूनिट इंटू 50 तो 500 रुपीज उसको पेमेंट मिलेगा. किसी दूसरे वर्कर ने मान लो खाली 7 यूनिट्स बनाए हैं तो 7 यूनिट्स इंटू 50. इस तरीके से स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम अप्लाई होगा. पीस रेट विद गारंटेड वेजेस, तो पीस रेट विद द गारंटेड वेजेस इज एप्लीकेबल फॉर द न्यू एंड एफिशिएंट वर्कर. दे अर्न प्री डिसाइडेड सैलरी इंस्टेड ऑफ पेइंग नॉर्मल पीस रेट एंड दिस एनकरेजेस द वर्कर टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी ग्रेजुअली एंड देयर आफ्टर रीच टू द स्टैंडर्ड ऑफ अदर वर्कर्स. तो जो नए वर्कर्स होते हैं, तो नए वर्कर्स को अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगाओगे तो वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उनको मास्टर ही नहीं आया है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. तो हो सकता है कि दूसरे जो हमारे रेगुलर वर्कर्स है वो रोज के 10 यूनिट बनाते हो, और जो नया वर्कर्स है वो खाली 5 यूनिट ही बना पाए क्योंकि अभी उसको स्पीड नहीं आया होगा, एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा. तो उनको एक गारंटेड वेजेस दिया जाएगा कि आपका इतना गारंटेड वेजेस रहेगा. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और यही हमें यहाँ पे समझना है. इसी के ऊपर आपको एक्सरसाइज पूछे जाएंगे. अच्छा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीस रेट रखा जाता है. कंपनी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी कि जो लोग स्टैंडर्ड आउटपुट देते हैं उनको स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट किया जाएगा पीस रेट. जो लोग स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट देते हैं उनका वेजेस थोड़ा हाई होगा, और जो लोग स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करेंगे उनका वेजेस कम रहेगा. तो अलग अलग पीस रेट डिसाइड हो गए. एक तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आउटपुट, जैसे कि डिसाइड किया होगा कि 8 आवर्स में मान लो 20 यूनिट्स बनाने हैं, एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर दिया बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस. 8 आवर्स में वर्कर्स को 20 यूनिट्स बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया. अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट बनाते हो तो पर यूनिट यू विल गेट से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज. तो 8 आवर्स में अगर आप 20 यूनिट्स बनाते हो तो आपको पर यूनिट 50 रुपीज मिलेगा. अब नाम दिया है डिफरेंशियल. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट हो, वो 20 की जगह पे 21 बनाए, 25 यूनिट्स बनाए, तो उनके लिए अलग पीस रेट होगा.
इफ यू आर गिविंग मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट देन योर पीस रेट वुड बी 60 रुपीज, 50 की जगह पे उसको 60 रुपीज देंगे। मान लो किसी वर्कर ने 21 यूनिट बना दिए, तो एक यूनिट ज्यादा बना दिया उसने खाली, 20 तो हमारा टारगेट था ही, तो अब उसको 50 रुपीज पर पीस रेट नहीं मिलेगा, 60 रुपीज से मिलेगा। तो इससे होगा क्या, वर्कर्स मोटिवेट होगा कि स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा आउटपुट हम देते हैं तो हमारा पीस रेट बढ़ जाता है, एक यूनिट का 50 की जगह पे एक यूनिट का 60 रुपीज मिलेगा। अच्छा, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इसी सिस्टम में क्या होगा कि स्टैंडर्ड से अगर आपने कम प्रोड्यूस किया तो आपका पीस रेट कम होगा। जैसे कि अगर कोई वर्कर 20 यूनिट से कम यूनिट बनाता है 8 आवर्स में, तो उसको 40 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। तो किसी वर्कर ने मान लो 18 यूनिट्स ही बनाए, अब उसने 20 का टारगेट अचीव नहीं किया, 18 यूनिट ही बनाए, 2 यूनिट कम बनाए, तो उसको अब 50 रुपया नहीं मिलेगा, 60 रुपया नहीं मिलेगा पर यूनिट, 40 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे उसको लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे वो क्या ट्राई करेगा, टारगेट तो अचीव करेगा ही 20 का। तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है। सो अंडर दिस सिस्टम द वेजेस ऑफ द वर्कर वेराई चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस विद इन अ सर्टन रेंज ऑफ आउटपुट। द टू सिस्टम विच वर्क अंडर दिस प्रिंसिपल आर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो ये दो सिस्टम हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में होता क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूं फॉर योर नॉलेज, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं स्टैंडर्ड आउटपुट, मान लो हमने ले लिया 20 यूनिट्स इन 8 आवर्स, 8 घंटे में 20 यूनिट बनाया है, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट 20 यूनिट्स। फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पीस रेट डिसाइड कर देंगे। मान लो हमने स्टैंडर्ड पीस रेट डिसाइड कर दिया है ₹50। मतलब अगर कोई वर्कर्स 8 आवर्स में 20 यूनिट बनाता है तो उसको 50 रुपीज एक यूनिट का मिलेगा। तो ऐसे इसने 20 यूनिट बनाया है तो 20 × 50 उसको 1000 रुपीज मिल जाएगा। फिर हम डिसाइड करेंगे लो पीस रेट। लो पीस रेट, लो पीस रेट मान लो 40 रुपीज डिसाइड किया। जो वर्कर्स 20 यूनिट नहीं बना पा रहा है 8 आवर्स में, उनके लिए लोअर पीस रेट होगा। जैसे कि किसी ने 18 यूनिट बनाए, 17 यूनिट बनाए, 15 यूनिट बनाए 8 आवर्स में, तो उसको 50 की जगह 40 से पेमेंट होगा, तो उसको वहां लॉस हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगा। फिर आएगा हाई पीस रेट, हाई पीस रेट में हम क्या करेंगे, हमारे जो एफिशिएंट वर्कर्स उनको और मोटिवेट करेंगे कि अगर आप 20 यूनिट्स की जगह पे ज्यादा यूनिट बनाते हो 8 आवर्स में, देन यू विल बी गिवन 70 रुपीज पर यूनिट। ये सारा रेट मैंने पर यूनिट लिया है, पर यूनिट जो पेमेंट किया जाएगा वो उसको ज्यादा मिलेगा। पर यूनिट, अब हमारे पास ये सिस्टम आ जाने से होगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वेजेस। चलो अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो वर्कर ए है, ए नाम का एक वर्कर है। अब इस वर्कर ने मान लो 12 यूनिट बनाया, उसने 8 आवर्स में 12 यूनिट्स बनाए, तो अब आप मुझे बताओ उसको कौन सा रेट मिलेगा, विच रेट से उसको पेमेंट करेंगे, कौन से रेट से पेमेंट करेंगे, बोलो कौन से रेट से पेमेंट होगा। स्टैंडर्ड है 20 यूनिट्स 8 आवर्स का,
अभी बंदे ने खाली 8 आवर्स में 12 यूनिट्स बनाए, तो लो पीस रेट उसको मिलेगा, 40 रुपीज के हिसाब से पेमेंट होगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया है, तो उसका पेमेंट 480 हो जाएगा खाली, 8 घंटे काम किया 480। दूसरा वर्कर मैंने ले लिया बी, मान लो बी नाम के वर्कर्स ने 22 यूनिट्स बनाए हैं, तो अब उसने स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है, 20 से ज्यादा यूनिट, मोर देन स्टैंडर्ड, तो इसको हम पेमेंट करेंगे 70 के हिसाब से, 70 रुपीज के हिसाब से इसको पेमेंट होगा। देन डेफिनेटली ही विल गेट मोर अमाउंट देन द अदर वर्कर्स। ₹1540 लेके जाएगा इधर। वर्कर सी ने मान लो 20 यूनिट्स ही बनाए, 8 आवर्स में टारगेट अचीव कर लिया उसने, तो उसको जब पेमेंट किया जाएगा तो स्टैंडर्ड जो रेट है हमारा 50 वाला वो दिया जाएगा, तो उसको 1000 का पेमेंट मिलेगा। अब इससे होगा क्या, बी भी मोटिवेट होगा, ए भी मोटिवेट होगा और सी भी मोटिवेट होगा, तीनों मोटिवेट हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों तीनों मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मिस्टर ये अब क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड अचीव करने का ट्राई करेगा, उसको पता है कि अगर स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया तो बहुत नुकसान हो रहा है। मिस्टर बी को ज्यादा पेमेंट मिला, उसने स्टैंडर्ड से ज्यादा यूनिट बनाए, 20 की जगह पे 22 यूनिट्स बना दिए उसने, तो उसको पता है कि अब 50 की जगह पे 70 रुपीज मिलेगा, मतलब 20 रुपीज हर यूनिट के ऊपर ज्यादा मिलेगा, तो उसका पेमेंट देखो 1540 रुपया हो गया। तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए ये सिस्टम बनाइए, ये मैंने सिंपल वाला सिस्टम आपको बताया, पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसको डिफरेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीस रेट यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो पीस रेट है डिफरेंट डिफरेंट है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें समझना है दो ऑथर्स के ओपिनियन, एक तो टेलर्स और दूसरा मैरिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। थियोरी क्वेश्चन तो आएगा ही इसमें कि आपको टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम समझाना है, साथ में कैलकुलेटिव पार्ट भी आएगा, एक्सरसाइज जो मैंने अभी सॉल्व किया उस तरीके का एक्सरसाइज भी आएगा। ध्यान से समझना, दिस सिस्टम वॉज डिजाइन बाय एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इन 1880। साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये ऑथर है, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट में, और उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस की है अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, उसका एजम्पशन क्या है कि देर इज नो गारंटेड वेजेस। आप 8 घंटे काम करते हो, फैक्ट्री में जाते हो, 8 आवर्स जाते हो, एक भी यूनिट नहीं बनाते हो, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, नो गारंटेड पेमेंट। मतलब यहां पे अगर आपको वेजेस चाहिए तो काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर ईच वर्क, सभी काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया 8 आवर्स में 20 यूनिट्स बनाना है, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स। टू डिफरेंशियल पीस रेट आर फिक्स, दो तरह का पीस रेट अप्लाई होगा। एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला एक तो लोअर पीस रेट होगा और एक हायर पीस रेट होगा। किस वर्कर को लोअर पीस रेट से पेमेंट होगा, तो 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट फॉर द वर्कर प्रोड्यूस बिलो द स्टैंडर्ड आउटपुट। जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड किया है 8 आवर्स में बनाना है, उसमें उसका 80% अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसको लोअर पीस रेट मिलेगा, और जो वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट देता है उसको जो भी नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% मिलेगा। तो मान लो कि एक एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लो कि पीस रेट डिसाइड हुआ है 10 रुपीज, एक यूनिट का 10 रुपीज। अब कोई वर्कर स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करता है तो उसको 80% मतलब 10 रुपये का 80%, तो 8 रुपये से पेमेंट होगा, 8 रुपीज से पेमेंट होगा। कोई वर्कर ने मान लो स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट दे दिया तो उसको
10 रुपीज का 120%, मतलब 12 रुपया, 12 रुपये से पेमेंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 पीस रेट दिए होंगे, 180% और दूसरा 120। पहले इसको एक्सरसाइज से समझ लेते हैं, बाद में मैरिक्स का डिफरेंशियल पीस रेट समझेंगे हम। पहले सिंपल वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ एक्स वाई एंड कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम दिया है 20 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 20 यूनिट बनाने हैं 1 आवर में, तो 8 आवर्स में कितने बनेंगे, 160 यूनिट बनेंगे, 160। 1 घंटे में 20 यूनिट बनाने हैं तो 8 आवर्स में 160 यूनिट बनाने होंगे उनको। नॉर्मल रेट दी, टाइम रेट डिसाइड हुआ है 30। अच्छा यह टाइम है, सॉरी माय मिस्टेक, स्टैंडर्ड टाइम है 20 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल टाइम रेट है, टाइम रेट दिया हुआ है 30 पर आवर। 1 घंटा वर्कर्स काम करेगा तो 30 रुपीज मिलेगा पर आवर। डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड, टेलर वाला सिस्टम है, 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ पीस रेट एट द अबो स्टैंडर्ड। तो ये हो गई बात। इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स, मिस्टर एक्स प्रोड्यूस 140 यूनिट एंड मिस्टर वाई प्रोड्यूस 165 यूनिट्स। तो दोनों ने 8 घंटे में कितना यूनिट बनाया वो दिया है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, पर आवर 20 यूनिट्स बनाना है तो 8 आवर्स में कितना यूनिट बन जाएगा, 160। तो 160 यूनिट्स बनाना है 8 आवर्स में। तब देखो मिस्टर एक्स ने कितना यूनिट बनाया है, 140, बिलो स्टैंडर्ड हो गया। मिस्टर वाई ने 165, अबो स्टैंडर्ड हो गया। 160 से ऊपर बनाया है वाई ने और एक्स ने 160 से कम यूनिट बनाया है। तो सबका यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों का अलग अलग आउटपुट है। अब उनको किस तरीके से पेमेंट होगा, तो स्टैंडर्ड वर्क प्रोडक्शन पर डे 20 × 160 जो मैंने आपको बताया, वर्कर एक्स प्रोड्यूसेस 140 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया है आपको, मतलब वो बिलो स्टैंडर्ड है, 160 से कम है, सो ही विल गेट 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। जो पीस रेट है उसका 80% मिलेगा। तो देखो ये रहा 30 रुपीज है पर आवर, जो लोग स्टैंडर्ड अचीव करते हैं उनको 30 रुपीज पर आवर मिलेगा, पर इसको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल पीस रेट क्या है, 30 रुपीज फॉर 20 यूनिट्स। क्यों 20 यूनिट्स, 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाना है। तो अगर आप 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाते हो तो आपको 30 रुपीज मिलेगा। तो 20 यूनिट्स का 30, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1.5। 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा एक्स को, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से कम आउटपुट दिया है। तो 1.5 का 80% अगर आप निकालोगे तो वो 1.2 आएगा। तो 1.20 पर यूनिट उसको मिलेगा। अब उसने कितने यूनिट्स बनाए, हम यहाँ यूनिट्स इसलिए फाइंड कर रहे हैं पर यूनिट, क्योंकि उसने यूनिट में आउटपुट दिया है। तो उसका अर्निंग कैसा हो जाएगा, पर यूनिट 1.20 एंड ही हैज मैन्युफैक्चर 140 यूनिट्स, तो उसको मिलेगा 168 रुपीज। ये मिस्टर एक्स का अर्निंग हो गया। मिस्टर वाई के अर्निंग की बात करें तो मिस्टर वाई ने, देखो मिस्टर वाई ने 165 यूनिट बनाए हैं, मतलब उसने स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट दिया है, तो उसको 120% पीस रेट मिलेगा। तो वाई प्रोड्यूस 160 यूनिट, वाई हैज प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट 160, सो ही विल गेट 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अच्छा पीस रेट फिर से, अभी हमने निकाला था 30 रुपीज मिलेगा पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट बनाते हो तो आपको 30 रुपीज मिलेगा। तो 1 यूनिट का कितना हो गया, 1.5, ऊपर निकाला था वही है। अब उसको क्या होगा, ये जो पर यूनिट है उसका 120% मिलेगा। तो 1.5 का 120% आप निकालोगे तो 1.80 पर यूनिट आएगा, उसको ज्यादा मिल रहा है पेमेंट।
उसका अर्निंग काउंट करोगे तो पर यूनिट 180, और उसने मैन्युफैक्चर किया है 165 यूनिट, सो उसका टोटल अर्निंग होगा 297। तो इस तरीके से टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड पीस रेट होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पीस रेट ₹1.5 पर यूनिट है, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स है, स्टैंडर्ड आउटपुट 160 यूनिट्स है। ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए, जो लोग अचीव करेंगे उनको उस हिसाब से मिलेगा। मान लो यहाँ पे कोई तीसरा वर्कर होता, मिस्टर जेड, मिस्टर जेड ने मान लो यहाँ पे 160 यूनिट बनाए होते, तो उसको